वेलकम बैक टू स्टॉक मार्केट। आज हम बात करेंगे विशाल फैब्रिक्स लिमिटेड के बारे में। स्टॉक का करंट प्राइस चल रहा है 28.60 रुपए और 8% का उछाल इसमें देखने को मिला है 24 तारीख को। इस स्टॉक का फंडामेंटल देखने वाले एज वेल एज चार्ट एनालिसिस के थ्रू हम समझने वाले हैं कि आगे स्टॉक का क्या टारगेट रहने वाला है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कंपनी का मार्केट कैप देखें तो 5.9 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी स्मॉल कैप की कंपनी है और स्टॉक का वैल्यूएशन चल रहा है 8.10। और ये स्टॉक बिलोंग करता है टेक्सटाइल सेक्टर को, यानी टेक्सटाइल सेक्टर का स्टॉक है और टेक्सटाइल सेक्टर की इंडस्ट्री का वैल्यूएशन चल रहा है 20.7 और इस स्टॉक का वैल्यूएशन चल रहा है 8.10। यानी ये स्टॉक अपने इंडस्ट्री के हिसाब से आधे से भी कम रेट में मिल रहा है। आरओसी आरओए कंपनी का काफी अच्छा है। डेप्थ की बात करें तो कंपनी पर डेप्थ हालांकि 3 सालों में थोड़ा सा बढ़ा है, बट एसेट आप देखें तो कंपनी पास एसेट काफी अच्छा खासा है। रिजर्व भी 236 करोड़ का है और 70% के आसपास प्रमोटर की होल्डिंग है। बुक वैल्यू के आसपास यहाँ पे करंट प्राइस चल रहा है, डबल आप नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ से 32 रुपए आराम से स्टॉक जा सकता है अगर आप बुक वैल्यू का डबल करते हैं तो। 49 रुपए का एक साल में हाई और 18.30 रुपए का लो है और डिविडेंड भी यहाँ पे कंपनी ने अनाउंस किया है। आप मैक्सिमम देखेंगे कि कोई भी छोटी कंपनी होती है, पैनी स्टॉक होता है, वो डिविडेंड अनाउंस नहीं करता है, लेकिन ये कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया है। प्लस इसका फंडामेंटल भी हमें यहाँ पे स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। 5 रुपए की फेस वैल्यू का ये स्टॉक है और प्लस परसेंटेज आप कह सकते हैं कि 10% के आसपास है। सेल्स ग्रोथ कंपनी की 60% हुई है और यहाँ पर कंपनी के बेसिकली बिजनेस की बात करें, मैं आपको बता चुका हूँ टेक्सटाइल सेक्टर का ये स्टॉक है और डाइंग यार्न और डेनिम फैब्रिक ये सब कंपनी बनाती है। कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो आप यहाँ पे सेल्स से देख सकते हैं। लगातार जो कंपनी की परफॉर्मेंस है हमेशा हमें इम्प्रूव होते हुए देखने को मिली है और लगातार कंपनी की सेल्स सितंबर 2020 से बढ़ती जा रही है। 220 करोड़ की सेल्स थी और करंटली आप देखेंगे Q4 में तो 426 करोड़ की सेल्स आई है, यानी कि आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है सेल्स। और नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे बढ़ चुका है, 20 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है पिछले क्वार्टर यानी Q4 में। और इतना प्रॉफिट आप देख सकते हैं, अगर आप इसको एक्सक्लूड कर देंगे तो इतना प्रॉफिट 2 सालों में कभी नहीं हुआ। बेहतर रहेगा अगर आप इस कंपनी का परफॉर्मेंस ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो, क्योंकि यहाँ पे कंपनी जो सेल्स है वो आपको देखने को मिल रही है 4 डिजिट में। पहले क्या होता था, लगातार 3 डिजिट में सेल्स आ रही थी कंपनी की 2011 से लेकर के मार्च 2020 में भी क्या हुआ था, 4 डिजिट में सेल्स आई थी। लेकिन अब की बार जो सेल्स आई है ना, वो अभी तक कंपनी की कभी इतनी सेल्स नहीं आई है। और इतनी सेल्स आने के बाद भी आप देखिए प्रॉफिट भी कंपनी का काफी ज्यादा आया है, 70 करोड़ के आसपास। लेकिन स्टॉक आप करंट प्राइस देखेंगे तो ये काफी कम रेट पे मिल रहा है। इसका वैल्यूएशन भी ये दिखा रहा है कि काफी सस्ते रेट पे है, तो ऐसे स्टॉक को जरूर बाय करने के लिए देख सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। इसका जो कैश फ्लो है वो भी पहले निगेटिव था, लेकिन निगेटिव से पॉजिटिव हो चुका है, यानी ये दर्शा रहा है कि कंपनी की इनकम ज्यादा हो रही है और खर्चे कम हो रहे हैं। प्रमोटर की होल्डिंग 70% के आसपास है। FI का भी इसमें इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, 5.66% होल्डिंग FI की है और पब्लिक की होल्डिंग 24.60% है। स्टॉक किसी भी सर्वेलेंस में नहीं है, एज वेल एज इसका सर्किट फिल्टर 20% का है, यानी कि ये स्टॉक अगर भागना शुरू करेगा तो आप इसको कैप्चर नहीं कर सकते, काफी तेजी से ये रिटर्न दे देगा। बात करें इस पे कितना वॉल्यूम आ रहा है, कितनी डिलीवरी उठाई जा रही है, तो 24,558 का वॉल्यूम आया है पिछले दिन यानी 24 तारीख को और डिलीवरी उठाई गई 18,166 की। और अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो 74% की डिलीवरी उठाई गई है। आ चुके हैं स्टॉक के चार्ट पे, जैसा कि देख सकते हैं 25.30 रुपए का एक मेजर सपोर्ट है और इस लेवल के आसपास स्टॉक जब आया उसके बाद इसमें 8% का उछाल देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पे बायर्स फिर से एक्टिवेट हो चुके हैं। और आप देखिए जब भी बायर्स एक्टिवेट होते हैं तो काफी तगड़ी रैली आती है यहाँ पे, जैसा कि देख सकते हैं विद इन 4 to 5 डेज ये स्टॉक काफी ऊपर चला जाता है, क्योंकि इसका सर्किट फिल्टर 20% का है और 20% अगर ये स्टॉक 2 दिन सर्किट लगाएगा तो 40% हो जाएगा, फिर 10-10 का लगाएगा तो 20 हो जाएगा, तो 40+20 कितना हो गया 60%, यानी 60% का रिटर्न तो 4 दिन में मिल ही जाएगा आपको। तो ऐसे ही ये स्टॉक चलता है, जब बायर्स इसमें एक्टिवेट होते हैं तो जबरदस्त बाइंग होती है। तो मुझे भी लगता है कि मेजर सपोर्ट के आसपास ये स्टॉक आ चुका है, यानी 25-30 रुपए के आसपास, तो यहाँ से बायर्स एक्टिवेट हो चुके हैं और यहाँ से काफी अच्छी रैली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और कम से कम 40 रुपए का टारगेट इसमें देखने को मिल सकता है फॉर शॉर्ट टर्म। लेकिन बेस्ट रहेगा अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि कंपनी के जो नेट प्रॉफिट आ रहे हैं वो पॉजिटिव आ रहे हैं, सेल्स कंपनी की लगातार बढ़ती जा रही है। तो जब ऐसे फैक्टर हमें देखने को मिलते हैं तो कोई भी कंपनी को हमें बाय करने के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है, क्योंकि ये स्टॉक काफी सस्ते रेट पे आ चुका है, ऑलमोस्ट 48 रुपए से गिर करके 25 रुपए के आसपास आ चुका है। तो जरूर ऐसी कंपनी को हम अपने रडार में रख सकते हैं जिस कंपनी की सेल्स भी अच्छी हो, नेट प्रॉफिट भी आ रहा हो, क्योंकि ऐसी कंपनी जरूर मल्टीबैगर रिटर्न दे सकती है।
तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और बहुत लोग पूछते हैं कि सर ऐसे कौन से स्टॉक है जो 1 से 2 दिन के अंदर बहुत अच्छा रिटर्न देने वाले, तो ऐसी जो स्टॉक है वो मैं टेलीग्राम पे ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूँ। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम पे सर्च करिए स्टॉक मार्केट हिल। जैसे ही आप ये सर्च करेंगे आपको हमारा चैनल टॉप पे दिख जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल है वहां ज्वाइन हो सकते हैं।